नमस्कार, मैं कंचन भारद्वाज स्वागत करती हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीवन कोश में। आज भारत में 10 में से एक व्यक्ति थायराइड से पीड़ित है। थायराइड सुनने में जितनी आम सी बीमारी लगती है उतनी होती नहीं है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ये अधिक पाई जाती है। हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन बनाती है जिससे शरीर का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल में रहता है। यानी थायराइड ग्रंथि का काम होता है जो खाना हमने खाया है उसे ऊर्जा में बदलने का। सोचिए अगर इस ग्रंथि में जरा सी गड़बड़ हुई तो उससे हमारे शरीर को कितना घातक प्रभाव झेलना पड़ेगा। वैसे तो थायराइड की शिकायत शुरुआती दौर में बहुत मामूली होती है। गर्दन में एक छोटी सी गांठ हो जाती है। पहले ये गांठ बहुत सामान्य सी लगती है, जब तक इसे गंभीरता से लिया जाए तब तक बहुत भयंकर रूप ये धारण कर लेती है। अधिक मात्रा में थायराइड हार्मोन के बनने की स्थिति को हाइपरथायरॉइडिज्म कहते हैं। वहीं कम मात्रा में थायराइड हार्मोन के बनने की स्थिति को हाइपोथायरॉइडिज्म कहते हैं। लेकिन ये बीमारी शुरुआत में ही पकड़ में आ जाए तो आपकी ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके लिए आपको बस थोड़ा सावधान रहना होगा और इसके लक्षणों पर ध्यान देना होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे आप इनके लक्षणों को देखकर पहचान सकते हैं कि आपको थायराइड हुआ है या नहीं। हाइपरथायरॉइडिज्म यानी अति सक्रिय थायराइड की बात करें तो स्ट्रेस, बार बार मल त्याग, सोने में परेशानी आना, बाहर निकली हुई आंखें, बालों का पतला होना, बालों का झड़ना, दिल की धड़कन का अनियमित होना, मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होना, नाखून का तेजी से बढ़ना, हाथों का कांपना, घटता वजन, पतली त्वचा महसूस होना, ज्यादा पसीना आना, इन लक्षणों पर ध्यान दें और तुरंत जांच करवाएं। वहीं अगर हाइपोथायरॉइडिज्म यानी अंडर एक्टिव थायराइड के लक्षणों को देखें तो वजन बढ़ना, थकान, ज्यादा ठंड लगना, हमेशा कब्ज, रूखी त्वचा, सूजा हुआ चेहरा रहना, आवाज में बदलाव महसूस होना, मांसपेशियों में कमजोरी, हाई कोलेस्ट्रॉल, जोड़ों में दर्द, जकड़न या सूजन महसूस होना, बालों का पतला होना, धीमी हृदय गति, डिप्रेशन, मासिक धर्म का बिगड़ना, याददाश्त का कमजोर होना, अगर ये सब लक्षण आपको दिखे तो आप तुरंत जांच करवाएं। थायराइड की जांच के लिए आप गले का एक आसान सा टेस्ट घर पर ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको पानी का ग्लास लेना है और शीशे के सामने जाकर पानी का एक घूंट पीना है और गर्दन पीछे करके पानी को गले से नीचे जाते हुए देखें। आपको इस प्रक्रिया को बार बार करना होगा। अगर पानी नीचे जाते समय आपको लगता है पानी जाने का फ्लो एक जैसा नहीं है या रुक रुक कर पानी गले के नीचे उतर रहा है तो आपको थायराइड होने की अधिक संभावना है। इसके अलावा अगर आपको अचानक ज्यादा ठंड या गर्मी महसूस हो रही है तो ये भी थायराइड का एक लक्षण होता है। थायराइड डिसऑर्डर के कारण शरीर के टेम्परेचर पर भी असर देखने को मिलता है। अगर आपको भी ऐसा कुछ महसूस हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर से जांच कराएं। थायराइड का वजन से बहुत बड़ा संबंध है क्योंकि अचानक बड़े हुए या कम वजन से भी आप थायराइड की बीमारी को मालूम कर सकते हैं। अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो आपको हाइपोथायरॉइडिज्म हो सकता है और अगर वजन घट रहा है तो ये ओवर एक्टिव थायराइड का कारण हो सकता है। इसीलिए वजन को रेगुलर मॉनिटर करें। हार्ट रेट की मदद से भी आप थायराइड के बारे में पता लगा सकते हैं। अगर आपका हार्ट रेट एक मिनट में 100 बार से ज्यादा है तो ये आपके हाइपरथायराइड की तरफ इशारा करता है। अगर हार्ट रेट नॉर्मल से भी कम है तो ये अंडर एक्टिव थायराइड की तरफ इशारा करता है। पर ये तरीका थायराइड के बारे में मालूम करना इतना सही नहीं है। अगर आपके शरीर का तापमान सामान्य रहने पर भी आपके हाथ पैर हर समय ठंडे रहते हैं तो इसे नजरअंदाज ना करें, ये थायराइड का लक्षण हो सकता है। थायराइड का इम्यून सिस्टम पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। थायराइड होने पर पहला असर हमारे नाखूनों पर पड़ता है। नाखून पतले और दरदरे होने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं और गंजापन आने लगता है। इसलिए अचानक अगर ये लक्षण दिखे तो सावधान हो जाएं और जांच जरूर करवाएं। हाइपोथायराइड होने पर लंबे समय तक कब्ज की शिकायत रहती है और हाइपरथायराइड होने पर डायरिया की शिकायत बार बार होती है। कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा, इसलिए अगर पाचन से जुड़ी ये समस्याएं हो रही हैं तो तुरंत अपना थायराइड चेक करवाएं। थायराइड की बीमारी होने पर एड़ियां बुरे तरीके से फटने लगती हैं। घरेलू नुस्खे अपनाने या क्रीम लगाने पर भी कोई असर नहीं होता। तो आज के वीडियो में आपने देखा कुछ ऐसे लक्षण जिनसे आप
घर पर थायराइड की शुरुआत होने पर ही सतर्क हो सकते हैं और जांच करवा सकते हैं। ऐसे ही कई अन्य वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।